So hello dear learners, in this video lecture I am gonna tell you a few sentences in English that I'm pretty sure you're gonna make incorrect. So what are those sentences? So let's get started the class. So the very first sentence that I have for you is मेरा मानना है या मेरे अनुसार यह सही है. Your turn. According to me, it's right. My turn. In my opinion, it's right. तो चलिए जानते हैं कि according to me कहना गलत क्यों है और in my opinion कहना क्यों सही है. तो देखिए English में तीन सब कैटेगरी होती है. फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, सेकेंड पर्सन कैटेगरी और थर्ड पर्सन कैटेगरी. फर्स्ट पर्सन के अंदर हम रखते हैं आई और वी को, सेकेंड पर्सन कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं यू को, एंड थर्ड पर्सन कैटेगरी में ही, शी, इट या कोई नेम को हम कंसीडर करते हैं या इंडल्ज करते हैं. अब देखिए अगर आप कभी भी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी को यूज करते हैं सो नेवर यूज अकॉर्डिंग टू डैश. उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है इन माई ओपिनियन, क्लियर. लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन कैटेगरी के लिए आप अकॉर्डिंग टू यूज कर सकते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम. गॉट माई पॉइंट? सो द सेकेंड सेंटेंस दैट आई हैव फॉर यू इज मेरा बड़ा भाई टीचिंग लाइन में है. योर टर्न. माई एल्डर ब्रदर इज इन टीचिंग लाइन. माई टर्न. My elder brother is in teaching profession. जानते हैं इसका explanation. Teaching line कहना बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि आप किसी line में थोड़ी ना है. जब कोई teacher है तो वो एक teacher किस लिए? Because वो professionally एक teacher है. तो हमें वहां use करना चाहिए in the teaching profession instead of saying in the teaching line. So the third sentence that I have for you is मेरे सभी दोस्त बहुत मददगार हैं. Your turn. My all friends are very helpful. My turn. All my friends are very helpful. So चलिए जानते हैं explanation. अगर sentence में कभी भी all का use करना हो तो सबसे पहले आपको all का use करना है, उसके बाद possessive pronoun का use करना है. Possessive pronoun means my, your, his, her, our, their. उसके बाद एक noun का use करना होता है. So that's why I told you all plus my plus friends. All my friends are very helpful. The fourth sentence I have for you is Rahul mera chachera bhai hai. Your turn. Rahul is my cousin brother. My turn. Rahul is my cousin. चलिए जानते हैं इसका explanation. Cousin के साथ कभी भी brother या sister लगाना incorrect माना जाता है, क्योंकि cousin का मतलब ही होता है चचेरा या ममेरा, भाई या बहन. Got my point? The fifth sentence that I have for you is उसने मुझे tea पर invite किया. Your turn. He invited me on tea. My turn. He invited me to tea. तो चलिए explanation जानते हैं. Invite के साथ preposition हमेशा to use की जाती है instead of using on. Got my point? Sixth sentence is उसने एक speech दी. Your turn. He gave a speech. My turn. He made a speech. चलिए एक्सप्लेनेशन जानते हैं. स्पीच देना हिंदी में सही है, लेकिन इंग्लिश में स्पीच देना गिव का यूज नहीं किया जाता है. सो मेक अ स्पीच इज द राइट आंसर इंस्टेड ऑफ सेइंग गिव अ स्पीच. सेवेंथ सेंटेंस इज सचिन इंग्लिश में अच्छा है. योर टर्न. सचिन इज गुड इन इंग्लिश. माय टर्न. सचिन इज गुड एट इंग्लिश.
सचिन इज गुड एट इंग्लिश। तो चलिए जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है, मींस डांसिंग में, सिंगिंग में, स्विमिंग में, इंग्लिश में, किसी में भी, सो आपको हमेशा यूज करना चाहिए गुड एट। जैसे आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज गुड एट डांसिंग, ही इज गुड एट सिंगिंग। एट सेंटेंस इज उसने कल रात एक बुरा सपना देखा। योर टर्न। ही सॉ अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। माय टर्न। ही हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। सो चलिए जानते हैं एक्सप्लेनेशन। सपना देखना एक कंप्लीट वर्ब है, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं ड्रीम, सेकेंड फॉर्म ड्रैम्ड, थर्ड फॉर्म ड्रैम्ड। लेकिन ड्रीम के लिए सी लगाना बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि सी मतलब तो देखना होता है, किसी भी चीज को देखना। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? सो द नाइन्थ सेंटेंस इज स्टूडेंट्स कल टेस्ट देंगे। योर टर्न। द स्टूडेंट्स विल गिव द टेस्ट टुमारो। माई टर्न। द स्टूडेंट्स विल टेक द टेस्ट टुमारो। कभी भी एग्जाम देने के लिए गिव नहीं लगाना है, हालांकि हिंदी में देना आ रहा है। जब कभी भी एग्जाम आप देने जाते हैं, देन यू हैव टू यूज टेक। और अगर कभी कोई टीचर किसी का एग्जाम ले रहा है, तो वहां यूज होगा गिव। गॉट माई पॉइंट? सो द आंसर शुड बी द स्टूडेंट्स विल टेक द टेस्ट टुमारो। द टेंथ सेंटेंस इज मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं। योर टर्न। आई एम गोइंग टू कट माई हेयर। माई टर्न। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट। चलिए एक्सप्लेनेशन जानते हैं। कभी भी कोई चीज जो आप खुद ना करके उसको कोई और व्यक्ति करता है, तो वहां पे हैव या गेट का यूज किया जाता है। सबसे पहले आप हैव या गेट यूज करेंगे, उसके बाद कोई भी नाउन या कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आप V3 का यूज करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई एम गोइंग टू हैव या गॉट माय हेयर कट। क्योंकि ये आप अपने आप बाल अपने आप खुद नहीं काटते हैं, ना ही काटते हैं आपके बाल। सो गाइज, इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू थिंक दीज सेंटेंसेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching this video. We'll meet you soon in the next video. Bye-bye.